इसरो को लेकर आज यानी 4 नवंबर 2023 को एक हैरान करने वाली खबर आई। ये खबरें दक्षिण भारत के मीडिया संस्थानों में प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया है कि इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने पूर्व इसरो चीफ के सिवन पर एक आरोप लगाया। सोमनाथ ने कहा कि सिवन ने उनके इसरो प्रमुख बनने में बाधा डाली थी, साथ ही चंद्रयान 2 की विफलता के पीछे भी के सिवन की ही गलती थी। सोमनाथ ने साफ कहा कि सिवन नहीं चाहते थे कि सोमनाथ इसरो प्रमुख बने। यह आरोप सोमनाथ ने अपने जीवन पर आधारित किताब नीलावू कुडिचा सिम्हल में लगाया है। सोमनाथ ने कहा कि उनकी किताब में चंद्रयान 2 के फेल होने की सही वजह है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चंद्रयान 2 के फेल होने की घोषणा के समय जो गलतियां हुई थी वो छिपाई गई थी। The communications from the lander to ground station was lost. सोमनाथ ये भी मानते हैं कि जो जैसा हो रहा है उसे उसी तरह से बताना चाहिए, सच लोगों के सामने आना चाहिए, इससे लोगों में इसरो को लेकर पारदर्शिता आती है। इसीलिए किताब में चंद्रयान 2 की विफलता का भी जिक्र किया गया है। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 के मिशन में जल्दबाजी के चक्कर में ही वो मिशन फेल हुआ था, क्योंकि उसे लेकर जितने टेस्ट होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। सोमनाथ ने कहा कि ये किताब जल्द ही बाजार में आएगी और चंद्रयान 2 की विफलता के असली कारण क्या थे ये तो किताब आने के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन इस बयान पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।